बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन हार्ट की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक खूबसूरत हकायत के साथ हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें हकायत, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में कैसरे रूम ने अपना सफ़ीर मदीनातुल मुनव्वरा में भेजा। कासिद ने दारुल खिलाफतुल इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर लोगों से खलीफा वक्त के महल का पूछा कि वो कहाँ है, ताकि मैं अपना मालो असबाब वहां तक पहुंचाऊं। कौम ने कहा, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का महल तो उनकी जाने पाक है, जो अल्लाह ताला के तल्लुक खास और तजल्लियात कुर्ब से मुनव्वर हो रही है, जिसने उन्हें सारे जहान के शाही मोहल्ला से मुस्तगनी कर दिया है। कासिद रोम ने दिल में सोचा, ये कैसा बादशाह है जो आम लोगों में रहता है? इसका कोई हिफाजती दस्ता है, न रहने के लिए कोई आलीशान महल। रास्ते में एक अरबी खतून से खलीफा का पता पूछा तो उसने कहा, आप रजीला अनहो कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। कासिद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा हजरत उमर रजीला अनहो बेखौफ व खतर जमीन पर आराम फरमा रहे हैं। ना तख्त व ताज पास है और ना ही फौज और लश्कर। करीब पहुंचकर जब उसने आप रजीला अनहो के चेहरे मुबारक की ज्यारत की तो आप रजी अल्लाह अन्हु की हैबत से वो कांपने लगा और अपने दिल में कहने लगा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है और एक उम्र तक सुल्तानों का हम नशीन रहा हूँ, मुझे कभी किसी से खौफ तक महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं इस शख्स की हैबत से मेरे उसान क्यों खता हो गए हैं। इस सोए हुए अकेले आदमी को देखकर मेरा जिस्म कांप रहा है। इस मर्द गदरी पोश की हैबत ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। ये शख्स बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी फौजी पहरा के जमीन पर अकेला सोया हुआ है। मुझ पर ऐसा लर्जा तारी है कि अगर मुझे सात जिस्म और अता हो जाएं तो इस लर्जा का तहम्मल ना कर सकें। फिर वो दिल में सोचने लगा, ये रोबो हैबत इस गदरी पोश की नहीं है, दरअसल ये अल्लाह की हैबत है, क्योंकि इस गदरी पोश बादशाह का कल्ब अल्लाह के कुर्ब और मैयत खासा से मुशर्रफ है। बस ये उसी मैयत हक का रोबो जलाल है जो इस मर्द हक के चेहरा से नमाया हो रहा है। कासिद इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की आंख खुल गई। सफीर रोम ने आगे बढ़कर बड़े अदब के साथ आप रजी अल्लाह अन्हु को सलाम किया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने नहायत शफकत से सलाम का जवाब दिया, सफीर को अपने पास बिठाकर तसल्ली दी और कैसरे रोम का पैगाम वगैरह लेने के बाद आप रजी अल्लाह अन्हु देर तक उसके साथ मार्फत की बातें करते रहे। कासिद रोम आप रजी अल्लाह अन्हु के अखलाक हुस्ना की और सादगी से इस कदर मुतासर हुआ कि उसके दिल से कुफर और शिर्क का जंग दूर हो गया। ये कासिद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सोहबत के फैज से मुशर्रफ बा इस्लाम होकर बातनी दौलत से माला माल हो गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है, जो खुदा से डरता है और तकवा इख्तियार करता है उससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। इस खूबसूरत हकायत से जो हमें सबक मिलता है वो यही है, जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं अल्लाह ताला दुनिया आखरत में उनका मुकाम और मर्तबा
बुलंद फरमा देता है। मौजूद सामीन, आप अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखें, हमारे अपने मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तकसीम अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।